रेडियो एक्टिविटी एक प्रोसेस है जिसमें एक अनस्टेबल न्यूक्लियाई जिसके पास बहुत सारे न्यूक्लियॉन्स हैं वो बेचारा संभाल नहीं पा रहा, वो क्या करेगा, वो तोड़ देगा न्यूक्लियस को और दो न्यूक्लियाई बना लेगा छोटे छोटे न्यूक्लियॉन्स के साथ और अपने आप को स्टेबल कर लेगा। बहुत सिंपल है, बिल्कुल ह्यूमन बिहेवियर है इसका रेडियो एक्टिविटी का। मेरी क्लास में 120 स्टूडेंट आ गया तो भैया ये अनस्टेबल हो जाएगी तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसमें बैच में तोड़ना पड़ेगा। तो ये प्रोसेस है मेरी रेडियो एक्टिविटी, ये रेडियो एक्टिविटी है, कुछ भी नहीं है। न्यूक्लियॉन्स बढ़ गए, स्टेबिलिटी हो गई और क्या हो गया, रेडियो एक्टिविटी। तो पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहाँ तक। अब जब रेडियो एक्टिविटी होती है इस प्रोसेस में तीन किस्म की रेडिएशन बाहर निकलती हैं, अल्फा, बीटा एंड गामा। अल्फा पार्टिकल जब निकलता है अल्फा पार्टिकल का इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड इसके ऊपर असर डालता है, बीटा भी डालता है, बीटा भी इसमें मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में असर डालता है इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर, गामा पे इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई असर नहीं है, न्यूट्रल है। मैग्नेटिक फील्ड भी अल्फा बीटा में असर डालता है क्योंकि अल्फा बीटा पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस होते हैं और गामा न्यूट्रल होता है तो इसलिए सीधा निकल जाता है, कोई फर्क नहीं है। अल्फा रेज की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, अल्फा पार्टिकल जो है उसके ऊपर डबल द चार्ज ऑफ प्रोटोन है। मैं बता देता हूँ अल्फा पार्टिकल ये है हीलियम 4-2, तो इसके ऊपर डबल द चार्ज ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑफ प्रोटोन है और मास नंबर 4 times है, बात खत्म, ये अल्फा पार्टिकल है। नेक्स्ट है मास ऑफ अल्फा पार्टिकल 4 times है, मैंने बता दिया प्रोटोन के। लार्ज मास है, इनका मास बड़ा है तो पेनिट्रेशन पावर इनकी छोटी है, आयनाइजिंग पावर इनकी बड़ी है, फ्लोरसेंस ये शो करते हैं, फोटोग्राफिक प्लेट को अफेक्ट करते हैं एंड आर डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, इनकी प्रॉपर्टीज है। बीटा पार्टिकल का चार्ज, बीटा पार्टिकल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, बीटा पार्टिकल ये होता है इलेक्ट्रॉन, तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन है तो चार्ज और मास ये रहा सेम दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन है। पेनिट्रेटिंग पावर लार्ज है क्योंकि ये छोटे होते हैं इलेक्ट्रॉन का साइज, आयनाइज करते हैं, फ्लोरसेंस प्रोड्यूस करते हैं, फोटोग्राफिक प्लेट को अफेक्ट करते हैं एंड आर डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। गामा की प्रॉपर्टीज पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि गामा हमने ईएम वेव में किया हुआ है, गामा वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में वो सारी प्रॉपर्टीज हमें आती हैं इनकी। तो ये रेज निकलती हैं, ये तीन रेडिएशन निकलती हैं जब एक न्यूक्लियस टूटता है, तो कुछ भी निकल सकता है, अल्फा बीटा या गामा, कुछ भी निकलेगा।